एक में जो है आमद और रफ्त होती है, ठीक है। एक का घर अगर 10 घर है उसमें से एक नंबर का पहला है तो उसके अंदर आमद और रफ्त होगी जब भी, यानी कि कोई भी यानी कि हवाई चीज जिन जिन्नात गुजरना हो तो वो एक नंबर के घर के थ्रू एंड थ्रू चले जाएंगे, आमद और रफ्त रहेगी, बसेरा नहीं होता एक में, आमद और रफ्त रहती है बहुत। और दो के घर में, दो का घर वैसे फाइनेंशियली वेल्थ वाइज जो है बहुत अच्छा होता है, ये चेंज क्वालिटी है, चेंज लाता है। तीन का घर बिल्कुल न्यूट्रल होता है, वो प्रोग्रेस भी नहीं करता लेकिन नुकसान भी नहीं देता, वो एक न्यूट्रल है। चार जो है वो अच्छा, तरक्की देता है, तरक्की जी। और पांच में भी आमद रफ्त होती है शाह जी, पांच में रूह बसती है आके, छह बसती है, हाँ छह, तो पांच नंबर में बसेगी। छह का मुझे नहीं पता, छह में रूहानियत होगी हमेशा, ठीक, छह में जो है हमेशा रूहानियत होगी, एक अजीब किस्म का क्या कहते हैं उसे, जो ओरा है ना वो बहुत ही अजीब होगा छह का। और छह का जो है आमद ना आमद होता है, ये वाहिद नंबर है जिसका घर जो है आमद ना आमद है, अगर लकी होगी है ठीक है, अनलकी होगी है तो फिर रुलता रहता है। छह का ये बड़ा सिस्टम है। सात का बसेरा, सात में बसेरा किस चीज का, एंटिटीज, जिन्नात, ठीक है। आठ जी, आठ नंबर का भी न्यूट्रल है, आठ नंबर का भी न्यूट्रल है, लेकिन आठ नंबर में जो सबसे बड़ा डर होता है कि किसी ना किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए दुनिया भी, तो आठ आदत के घर में। और दूसरा जो मसला है कि कोई चीज जो है किसी के घर के अंदर नहीं किसी के साथ चमड़ जाएगी, हवाई घर में नहीं बुक रोकेगी, किसी के साथ रह जाएगी, यानी कि हाजिरी हो जाएगी या सही, वो इस तरह की फिलॉसफी है ना, वही फिलॉसफी। और नौ भी न्यूट्रल है, नौ भी न्यूट्रल है, थोड़ा गुड साइड पे कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव देखें तो नेगेटिव नहीं है जी। अच्छा।